इसका इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें रहते तो पहले घंटे के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो आज तक जहाँ तक हम विद्युत की में रिसर्च करते हुए पहुँचे इसमें कुल लगभग 2600 साल लगे हैं, क्योंकि 600 BC से लेकर के और आज तक लगभग 2600 साल बीत चुके हैं और आज भी विद्युत की में जहाँ तक पहुँचे तो बहुत सारे वैज्ञानिक फंस रहे हैं। किस प्रकार का श्रेय और क्या योगदान सब हम देखते हैं। देखकर ये जो पहला व्यक्ति है वो है थेल्स और ये ग्रीस के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 600 BC में सबसे पहले अंबर और रेशम के घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव पर चर्चा की थी, परंतु इसका कोई आगे विश्लेषण फिर नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं कि जनता में थे गणित के बारे में विशेष महारत रखते थे, क्योंकि इनका थेल्स पर भी पड़े हुए थे जरूरियों के लिए। इस तरीके से अगर कोई इंटरसेक्शन लाइन हो जो कि इस देश के पैरेलल हो तो यहाँ से डीबी लाइन होती है, इसके लिए AB/DB=AEY/EC होता है। ये थेल्स का ही परमाइन पर मैथमेटिक्स में उन्होंने योगदान दिया था। जो फिजिक्स के योगदान है उन्होंने सबसे पहले अंबर और रेशम के घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव की चर्चा की थी, परंतु एविडेंस बेस्ड नहीं था, बस ये बात थी और वो बात सबसे मान ली। फिर इसके आगे और रिसर्च हुई चर्चा वगैरह देखते हैं। पहले इसके बारे में थेल्स जो है वो मेरेटस रहने वाले थे, पहले मेरेटस नहीं था और इसका नाम रखकर चूल भी हो गया। इसके बाद आते हैं दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट, और जो विलियम गिलबर्ट थे इन्होंने 1600 AD में कॉन्सेप्ट दिया था। अब विलियम गिलबर्ट महारानी एलिजाबेथ के डॉक्टर भी थे, क्योंकि ये फिजिसिस्ट भी थे और साथ ही साथ डॉक्टर भी थे। और नई शिक्षा जैसी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें भी ऐसा प्रावधान है, तो फिजिसिस्ट के साथ साथ फिजिशियन बना जा सकता है, जो कि ऐसा पहले सरकार ने अच्छा काम किया। तो ये व्यक्ति फिजिसिस्ट भी थे और उसके साथ फिजिशियन थे और महारानी एलिजाबेथ के ये डॉक्टर थे। उन्होंने क्या कहा है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डी मैग्नेट जो की बुक थी। इस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बताया था कि पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है, कैसे है। जो ये हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की अपनी एक मैग्नेटिक लाइन होती है, मैग्नेटिक एक्सिस होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग जो है बाहरी तरंगों से सुरक्षित रहते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था पृथ्वी के चुंबक और दूसरा स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर आवेश। आवेश लोग होता है गतिक आवेश और स्थिर आवेश, इसलिए इसमें थोड़ा सा पता है। स्थिर आवेश होता है जैसे हमने कोई पेन लिया और इस पेन पर इस पर ऐसे घर्षण करा जाए बालों पे या कहीं बगड़े में इस पेन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऐसे आवेश को स्थिर माना जाता है और स्थिर होता भी है, से कहते हैं स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश। इसके बारे में उन्होंने विस्तार चर्चा की और कुछ और परिवर्तन किया था। इन्होंने क्या परिवर्तन किया था कि जो अंबर था अंबर को क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ग्रीक भाषा में, तो अंबर से इलेक्ट्रॉन हुआ और इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रिक हुआ और इलेक्ट्रिक से आज ये इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो ये जो टर्मोनोलॉजी है ये इनकी जो है विलियम गिलबर्ट की है, इसको हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगले वैज्ञानिक है स्टेफन ग्रे। नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम है स्टेफन ग्रे ये तीसरे वैज्ञानिक है जिन्होंने 1600 AD में अपने विचार रखे थे। यह व्यक्ति 1729 में उन्होंने अपने विचार रखा था और इसे ने कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी।
लगभग 850 फीट दूर तक इन्होंने आवेश को स्थानांतरित करके दिखाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक आवेश स्थिर आवेश एक जगह स्थिर होता है, लेकिन गति का आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है, परंतु सबसे पहले आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य किया था इस व्यक्ति ने, जिनका नाम है स्टेफन ग्रे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेशों को स्थानांतरित करके दिखाया था और लगभग 850 फीट दूर तक उन्होंने आवेश को स्थानांतरित किया था। इस व्यक्ति को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद जो चौथे व्यक्ति आते हैं उनका नाम है चार्ल्स फ्रैंक वाइज। ये एक व्यक्ति है जिन्होंने 1739 AD में कुछ बातें बताई थी। इन्होंने फ्लूइड थ्योरी दिया था। क्या है फ्लूइड थ्योरी, आगे हम आपको बताते रहेंगे, अभी यहाँ जो समझाना है उसको देखते हैं। फ्लूइड थ्योरी, और इन्होंने दो बार इस्तेमाल किया था, एक है विट्रस इलेक्ट्रिसिटी और एक है अंबर। जो विट्रस इलेक्ट्रिसिटी है ये लास्ट लाट के लिए था, और दूसरा था अंबर के लिए जिसे कहा जाता है रिजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी। ये दो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो चार्ल्स फ्रैंक वाइज जो थे वो 1773 AD में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, फ्लूइड थ्योरी दिया था। फ्लूइड थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि जैसे जो लिक्विड्स होते हैं और जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनके बारे में उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं था, लेकिन जितने कुछ अचानक होते हैं उनको रब करने से, घर्षण करने से आवेश उत्पन्न होता है, ये बातें मुझे बताई थी। फ्लूइड थ्योरी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बट अभी इसकी बात इसलिए इस तरह ये बताते हैं आपको। इन्होंने कहा था कि जो ग्लास के ऊपर आवेश है उसे विट्रस इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा, और जो अंबर के ऊपर आवेश होता है उसे रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो दो शब्द इन्होंने दिया, ग्लास के लिए विट्रस और अंबर के लिए रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी, इसे ध्यान में रखिएगा। इस व्यक्ति का नाम स्टीफन ग्रे और इसने चार्ल्स फ्रैंक वाइज उन्होंने 1773 ईस्वी में ऐसा कहा था, 1739 AD में ये तथ्य इन्होंने दिया था। तो ये चार्ल्स फ्रैंक वाइज, तो पहले फेल्स, फिर उसके बाद विलियम गिलबर्ट, फिर उसके बाद स्टेफन ग्रे और फिर ये चार्ल्स फ्रैंक वाइज, और नेक्स्ट इसके बाद है जॉन थियोफिलस, जो पांचवें व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन थियोफिलस। जॉन थियोफिलस ने 1742 में, ये फ्रेंच के रहने वाले हैं, फ्रेंच की जिसे 1742 ईस्वी में इन्होंने चार्ल्स फ्रैंक वाइज की बातों को आगे बढ़ाया। जॉन थियोफिलस ने भी रिसर्च किया था इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी फ्रैंक वाइज के तथ्यों को भी जोड़ा था इन्होंने और उसको और ज़्यादा विस्तार दिया था। वैसे जॉन थियोफिलस को मुख्य रूप से जाना जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए, जो हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा ट्रक में या सॉली में इस्तेमाल करते हैं, जैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो इसने बनाया था। यूनिवर्सिटी का नाम है जॉन थियोफिलस, और इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने चार्ल्स फ्रैंक वाइज के शब्दों को आगे बढ़ाया था और अधिक विस्तार दिया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगले व्यक्ति का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में काम किया, और क्या क्या काम किए थे वो मैं आपको बताता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1746 में इन्होंने लाइटनिंग रॉड का कॉन्सेप्ट दिया। लाइटनिंग रॉड समझते हैं, ऐसे आसमान में बिजली चमकती है, तो जब बिजली चमकती है तो पृथ्वी पर आकर के डिस्चार्ज होती है, कभी पेड़ पर गिर जाती है, कभी बिल्डिंग्स पर भी गिर जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए कोई एक आधार चाहिए, और इन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग हो
और इस बिल्डिंग के पास इस तरीके के नुकीले कंडक्टर लगा दिए जाए, ये नुकीले होने चाहिए, तो आसमान में जो बिजली गरजती है वो यहाँ पर आके डिस्चार्ज हो जाती है और इसके आसपास के जो लोग होते हैं वो बच जाते हैं और ये आकाशीय बिजली को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड कर देता है जिससे ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। लाइटिंग रॉड का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल लाखों लोगों की जिंदगी जाती है, बिहार में बहुत सारी घटनाएँ भी यहाँ पर होने के कारण बहुत सारे लोग हमारे लिए आसमानी बिजली गिरती है, तो ये बहुत ही नुकसानदायक होती है और ये आवेश वायु समूह होता है। इसके बाद इस व्यक्ति ने जो तथ्य दिया था जीवन में वो था पतंग। अब ये पतंगबाजी उनका शौक था और इनका मानना था जैसे मान लीजिए आकाश में बिजली चमकती है तो यहाँ पृथ्वी पर खड़े होकर के अगर हम पतंग उड़ाएंगे ये पतंग इस आसमान में चली जाएगी और यहाँ जो वायर रोल रखा था इन्होंने ये कंडक्टर था, चालक था और आसमान में जब बिजली चमकेगी तो इसमें से आवेश होकर के पृथ्वी तक आएंगे। ये इसे महसूस करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, इसके लिए ये पतंग उड़ाया करते थे। अब इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है अगर सीधा इनको लग जाती है, इनकी डेथ भी हो सकती थी, लेकिन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगा रखे थे, पहले से प्रिपेयर थे और अपने आप को तैयार कर रखा था और ये पतंग उड़ाया करते थे। ऐसे डेली जब आप हमें बिजली चलाती थी पतंग उड़ाया करते थे जिससे कि वो बिजली को ये महसूस कर सके पृथ्वी तक ला सके। अब आज जो समय है इस व्यक्ति ने छोटा सा प्रयास किया, लेकिन आज के समय में आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है जैसे अन्य बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर इस लाइटनिंग के द्वारा ही बिजली बनाई जाती है। आसमान से चमकने वाली बिजली को पृथ्वी पर लाकर उसे स्टोर किया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे गाँव और घरों पर भेजी जाती है जिससे वो हम उपयोग में लगते हैं। जो शुरुआत तो बहुत छोटी थी लेकिन लेकिन काम बड़े किए हैं का इनको शौक था, एक ही इनका तथ्य हो गया। तो दो बातें हम आपको बता सकते हैं इनके बारे में, इन्होंने लाइटनिंग रॉड का कॉन्सेप्ट दिया जो लाखों लोगों की जिंदगी बचा रहा है और पतंग के द्वारा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से आसमानी बिजली को पृथ्वी पर ला करके उसे डिस्चार्ज करने के साथ साथ स्टोर भी किया जा सकता है। ये तथ्य इस व्यक्ति ने दिया था, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इन्होंने कहा कि जो ग्लास पर चार्ज है, ग्लास और एक अंबर, जो ग्लास पे चार्ज था, इस ग्लास पे चार्ज को पहले कहा जाता था बिटरस इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया उसे बिटरस इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या इसका नाम बदल लिया और बिटरस इलेक्ट्रिसिटी की जगह इसको इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है अर्थात या धनात्मक आवेश है। जो धन आवेश का शब्द है वो प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसके पहले ग्लास पर उपस्थित आवेश को बिटरस इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता था और अंबर पर उपस्थित आवेश को हम कहते थे रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी। तो विट्रस इलेक्ट्रिसिटी का नाम बदल कर पॉजिटिव चार्ज हो गया जो ग्लास पे है और अंबर पर जो उपस्थित आवेश था उसका नाम बदल कर इन्होंने रखा नेगेटिव चार्ज। एक बात ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है यहाँ, ये सभी के सभी क्या किए हैं, माने गए हैं, ये सब अजीब किए गए हैं, धन आवेश विड़ावेश जैसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ माना गया है कि इसका बिहेवियर पॉजिटिव और इसका बिहेवियर नेगेटिव होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड का कॉन्सेप्ट दिया, फिर उसका पतंग के द्वारा जो सुझाव दिया वो आजकल हम बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं और फिर ग्लास के उपस्थित आवेश को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और अंबर के लिए आवेश को नेगेटिव चार्ज शब्द दिया। इसके बाद में इस व्यक्ति ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया था और आप इसे जानते हो कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश सिर्फ एक जगह से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट। एक पदार्थ जितना आवेश दूसरे पर ट्रांसफर होता है दूसरे से उतना ही आवेश पहले वाले पर स्थानांतरित होता है,
दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो दोनों पदार्थ न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो ये तथ्य जो दिया था वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अर्थात आवेश संरचर का सिद्धांत, ये आवेश संरचर का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन का दिया हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे और इसमें हम विस्तार से करेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की धारणा थी ग्लास वाले को ही, जो ग्लास आर्ट में उपस्थित चार्ज था उसे पॉजिटिव कहा, अंबर के लिए जो था उसे निगेटिव कहा, और ये माना गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी माने गए हैं। और इन्होंने एक जो पॉइंट लिखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आगे संरचर का सिद्धांत दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा बहुत सारे नंबर कम होते जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आगे संरचर का सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद इतना महान वैज्ञानिक है, इतना अच्छा काम किया है, जिसे कुछ तो पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इनके नाम से सीजीएस पद्धति में आवेश का एक मात्रक है जिसे कहा जाता है फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन जो होता है वो एक स्टैटिक कूलाम के बराबर होता है, एक फ्रैंकलिन एक स्टैटिक कूलाम के बराबर होता है, ये आवेश का मात्रक है। उन्होंने इतना मेहनत किया था देश के मेन मिसरे जाता ही है, और जो इनका सीजीएस पद्धति में एक यूनिट थी उसे फ्रैंकलिन बदल दिया गया, तो एक फ्रैंकलिन एक स्टैटिक गुलाम आवेश के बराबर होता है, ये इनको सम्मान दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगले वैज्ञानिक जिन्होंने अच्छा काम किया था, उनका नाम था विलियम वाटसन। जो विलियम वाटसन थे उन्होंने भी कुछ बहुत अलग नहीं किया था, इसे फ्रैंकलिन और क्रे के तथ्यों को ही आगे बढ़ाया था विलियम वाटसन ने। तो विलियम वाटसन ने फ्रैंकलिन और ग्रे के तथ्यों को आगे बढ़ाया था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो पुरानी बातें थी उन तथ्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं माइकल फैराडे, जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करनी है। माइकल फैराडे इनके नाम से तो आप सभी परिचित है, आजकल जो शादियाँ हैं वो इन्हीं की वजह से रोशन होती है, रात में जनरेटर ना हो बिजली गायब हो जाए तो वैसे में शादी में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो जो फैराडे थे माइकल फैराडे ने, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में लगभग 17,000 एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने डिवाइस तैयार किया था जिसे हम विद्युत डायनमो कहते हैं, और उन विद्युत डायनमो का उपयोग करके आज विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे जनरेटर कहते हैं प्रैक्टिकल भाषा में। और आप लोगों ने देखा होगा सभी के लगभग गौरव के तो नहीं है, लेकिन शादी भी हमें चलते हुए मिल जाएंगे अन्य जगह में, आजकल बड़े बड़े ऑफिस में जितने भी वर्क होते हैं अगर लाइट ना रहे एक घंटे तो वो बंद हो जाएंगे, उस लाइट को निरंतर बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जनरेटर माइकल फैराडे नामों का जिन्हें बनाया था। बहुत कम उम्र 24 साल की उम्र में लगभग इनका देहांत भी हो गया, करीब इतनी कम उम्र में इतना संघर्ष किया, और ये आज हमारे भौतिक जीवन को सुखी बना करके गए, इनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने जनरेटर तो बनाया, आवेशों में इन्होंने क्या किया, आवेश में इन्होंने किया था कि आवेश क्वांटाइज्ड होते हैं, आवेश क्वांटाइज होते हैं अर्थात इनका क्वांटीकरण होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ये फॉर्मेट में होते हैं, पैकेट्स के रूप में होते हैं। माइकल फैराडे ने जो सिद्धांत दिया था वो था आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, अभी आवेश अंबर ग्लास पॉजिटिव निगेटिव इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे जब इलेक्ट्रॉन की खोज होगी जे.जे. थॉमसन द्वारा तब वहाँ से इसकी एंट्री आएगी। तो माइकल फैराडे ने जनरेटर बनाया था, उसके साथ आवेश की क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था आवेश होते हैं क्वांटीकृत होते हैं, और ये प्रकृति में पैकेट्स के रूप में पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ पैकेट्स होते हैं, इस ग्रुप में 10 गुलाम 5 गुलाम 4 गुलाम 3 गुलाम 2 गुलाम 1 गुलाम, इस तरीके से आवेश होता है। माइकल फैराडे ने आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं उनका नाम है जे.जे. थॉमसन, जिन्हें आप जे.जे. थॉमसन कहते हो। थॉमसन ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, ये आप जानते ही हैं। तो जो जे.जे. थॉमसन थे उन्होंने बताया था आपको कि परमाणु जो होता है वो
वो एक छोटा सा गोला होता है, उसमें धन आवेश ऋण आवेश इधर उधर से छुपे होते हैं और अलग अलग होते हैं। बाद में इनका मॉडल निकल गया था, जैसे थॉमसन मॉडल परमाणु का। इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने जो तथ्य दिया था वो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने जो तथ्य दिया था वो था इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का कार्य, इलेक्ट्रॉन की खोज, ये ध्यान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेटे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अब इलेक्ट्रॉन की खोज होने के कारण आगे जो दृष्टि देखेंगे आप और आसान हो जाएगा, उसे समझना आसान हो जाएगा, पॉजिटिव आसान हो जाएगा, निगेटिव आसान हो जाएगा। इन सभी तथ्यों के बारे में बहुत सुविधाजनक दृष्टिकोण से हम व्याख्या कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वाली घटनाएँ आज जैसे हो रही हैं पहले नहीं होती थी। बादलों का चमकना, घर्षण के कारण कंधे का आवेशित होना, अंबर का आवेशित होना, सभी था। लेकिन हम इसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे क्योंकि इसकी व्याख्या करने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था। इन महान वैज्ञानिकों ने उस कॉन्सेप्ट को दिया कि किस तरीके से हम इन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए इन सभी के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। और आम व्यक्ति तक ये जो भौतिक संसाधन है वो उपलब्ध हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने पूरे जीवन का योगदान दिया है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इसने जे जे थॉमसन ने, ये सबसे बड़ा योगदान है इनका। आप नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं अगले व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्टन। रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्टन, आठवीं में हम लोग कहते हैं मिल्टन, मिल्टन आर मिल्टन ने 1909 में जनक दिया और 1929 में ये नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए, नोबेल पुरस्कार। और ये भारी रिसर्च, क्या रिसर्च किया था भाई इसमें? रॉबर्ट मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना की, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जैसे जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, क्लास को पॉजिटिव और निगेटिव जैसा सब मिल गया था, आवेश ऋण आवेश, लेकिन कोई मटेरियल नहीं था। जे जे थॉमसन के बाद रिसर्च के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बाद इस व्यक्ति ने जिनका नाम है मिल्टन, एंड्रयूज मिल्टन, इन्होंने रिसर्च किया। तो इनके रिसर्च का नाम है ऑयल रॉक एक्सपेरिमेंट, ऑयल रॉक एक्सपेरिमेंट, तेल की बूंदों का इन्होंने उपयोग करके प्रयोग किया था। और उसकी सहायता से मिल गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6×10^19 कूलम होता है। पहले ये जो दिया गया मान है आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, ये विवादित था और इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी जो डायरी है नोट्स थे उस नोट्स में रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि इन्होंने जो तथ्य दिया था वो तो सही नहीं है, इसलिए इनके पहलू को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बाद में आधुनिक उपकरणों की सहायता से रिसर्च करके जब ज्ञात किया गया तो ये मान भी लगभग इतना ही आया और 2014 में आवेश के इस परिमाण को एक्सेप्ट कर लिया गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10^19 होता है और ये सबसे बड़ी खोज है। अब इसी की सहायता से आप देखोगे हर जगह जहाँ भी बात आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आवेश ट्रांसफर हुआ तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ तो आवेश उत्पन्न होता नहीं है, लेकिन आवेश अगर कहीं भी जनरेट हुआ इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। और जो एक इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10^19 कूलम आवेश होता है। इस आवेश की गणना मिल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, इसके लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो और भी लंबी कहानी है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन के आवेश तक हम सीमित हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और घटनाएं जिनकी व्याख्या हमें करनी चाहिए, जैसे प्रोटॉन है, बाद में प्रोटॉन की खोज की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी किसने? जे जे थॉमसन ने। थॉमसन ने कहते हैं न्यूट्रॉन की खोज हो गई, चैट न्यूट्रॉन की खोज, सॉरी प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आप इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं क्योंकि
आगे चल करके हमें इन्हीं कणों के द्वारा ही विद्युत को समझना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जो द्रव्यमान था वो 9.127 × 10⁻³⁷ के जी याद किया गया। प्रोटॉन का मास लगभग 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम जोड़ा गया। और इलेक्ट्रॉनों के बारे में तो कुछ इसे जानकारी थी। आवेशों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश 1.2 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं। इसके व्यवहार को देखें तो हम जानते हैं इसके व्यवहार को क्या माना जाता है, क्रियात्मक। और प्रोटॉन जो है इसके लिए भी सेम आवेश की मात्रा होती है 1.2 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम और इसके व्यवहार को धनात्मक मानते हैं। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि यह उदासीन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद गति को समझना और आसान हो जाएगा। और इन्हीं गतियों का अध्ययन करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को विभंजन करते हैं, ये सब तथ्यों के बारे में हमें जानना है, वही इलेक्ट्रिसिटी में आपको साथ सीखना है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और इसके अपोजिट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका व्यवहार कैसा होगा। पॉजिटिव चार्ज किसके लिए था, हमें ग्लास के लिए, और दूसरा वाला रॉड भी अगर हम ग्लास लें तो ग्लास और ग्लास को अगर पास में लाएंगे तो हम ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपील करते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। सेम ऐसा बिहेवियर अंबर के लिए देखा गया। अंबर पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश नाम दिया गया था, ये आप जानते हो, और ये दोनों आवेश भी एक दूसरे को रिपील करते हैं, ऐसा प्रयोग करके देखा गया। तो अंबर के रॉड लिए गए, उनको घर्षण करके एक दूसरे के संतुलन लाने का प्रयास किया गया, तो प्रतिकर्षण से दूर हटने लगे। क्लॉथ रॉड को रब करके एक दूसरे के साथ लाया गया तो भी दूर हटने लगे। लेकिन जब एक क्लॉथ रॉड को रेशम से रगड़ा गया और अंबर को रगड़ा गया और इन दोनों को एक धागे से बांध कर एक दूसरे के समीप ऐसे लटकाया गया, ये दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे से मिल गए, इससे ये सिद्ध हुआ कि इनके बीच हो रहा है आकर्षण, अट्रैक्शन। और यहाँ से वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हुआ था, इनके बीच भी जो बल लगा हुआ आकर्षण का है। इस कारण से अगर हम देखें तो यहाँ इनके बीच बल भी लग रहा है, आवेशों के कारण बल भी लग रहा है। सबसे पहले न्यूटन ने दिया था बलों का कॉन्सेप्ट कि दो द्रव्यमान अगर एक दूसरे के समीप हो, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके बीच जो बल लगता है, ठीक वैसे ही अगर दो आवेश है और वो छोटे हों या बड़े हों, अगर वो एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में है तो उन आवेशों के बीच भी वैद्युत बल लगेगा। अब यहाँ पर अंतर न्यूटन के और इस नियम में ये है कि जो न्यूटन का नियम था गुरुत्वाकर्षण का, वो कहता है कि द्रव्यमानों के बीच का बल सदैव आकर्षण होगा, लेकिन ये आवेशों के बीच का बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये है छोटी सी हिस्ट्री आवेशों के बारे में, और विस्तार से आगे हम चर्चा अन्य तथ्यों पर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।